Where are you from? India. Huh? India. India. Thank you so much. Thank you. और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ मैसेडोनिया और ये हमारी है थर्ड कंट्री। अभी हमें 21 और कंट्रीज में जाना है जिसमें हमें अपनी कंट्री का फ्लैग ऐसे ही लहराना है। How is India? So he is asking how is India? My passport, my driving license and RC. No, only for a motorbike document. Room बहुत ज़्यादा messy हो चुका है, breakfast करने जाना है। उससे पहले एक इंट्रो करना जरूरी है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, सबसे पहले मेरे पीछे का व्यू देखो। तो ये वो प्रॉपर्टी है जहां हम स्टे कर रहे हैं और अभी मैं हूं अल्बासन में। अल्बासन पड़ता है अल्बेनिया में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत खूबसूरत शहर है क्योंकि अल्बासन को मैंने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया। मैं अल्बासन में एक्चुअली परसों रात को आया था। कल मैंने कुछ नहीं किया, कल मेरा रेस्ट डे था। मैंने सिर्फ अपने रूम में बैठा, रिलैक्स किया, खाया पिया, एडिटिंग करी और उसके मतलब बाहर भी नहीं गया मैं। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जब मैं इंडिया में ट्रैवल करता हूँ ना तो हर चार दिन के बाद एक छुट्टी लेता हूँ। मैं राइड नहीं करता चार दिन के बाद। ऐसे ही आज मेरे को ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके थे और 15 दिन के बाद एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉडी को वापस फॉर्म में लाने के लिए ना एक दिन बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम यहाँ से निकलने वाले अपनी एक नेक्स्ट कंट्री के लिए जो कि है नॉर्थ मैसेडोनिया। इस जगह पे मैंने आपको दिखाया व्लोर, इस जगह पे मैंने आपको तिराना दिखाया और जो अभी मैंने कुमान फेरी दिखाई, आई होप आपको वो वाला वीडियो देख के भी बहुत अच्छा लगा होगा। सबसे पहले अपना यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ना जहाँ हम स्टे कर रहे हैं ना हॉस्टल में, यहाँ पर ना जगह जगह पर लेमन लगे हुए हैं, ग्रेप्स लगे हुए हैं और ऑरेंजेस लगे हुए हैं और काकी लगी हुई है। काकी मुझे पता नहीं है क्या होता है, शायद इंडिया में आप लोगों ने खाई होगी पर यहाँ पर बहुत सारी काकी लगी हुई है और एक ये फ्रूट होता है। तो हमने यहाँ पर जो ओनर है ना उनसे पूछ के काफ़ी यहाँ पर तोड़ के खाए। लगभग कह सकते हो हमने 25 से 30 यूरो का तो हमने यही खा लिया होगा। और सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट आपको दिखा देता हूँ हम लोग आज क्या ब्रेकफास्ट में करने वाले हैं। तो अपने ब्रेकफास्ट में आ चुका है यहाँ पर ब्रेड, वही सेम ब्रेड यार। और आ चुका है हमारा ऑमलेट जो मैं अवॉइड करने वाला हूँ। ये है जैम, ये है चीज़ और ये है बटर। तो मेरे मतलब का एक दो और ये तीन चीज़ें ही होने वाली है। बाइक्स जो अपनी यहीं पर ही पार्क्ड हैं और फुली लोडेड हो चुकी है। ये रोज़ का काम है फुल लोड करना। पैनियर्स लगे रहते हैं बाइक पे, टॉप बॉक्स मैं ले जाता हूँ अंदर। एक ये टेल बैग है मेरा, एक ये टेल बैग है मेरा, ये टैंक बैग है मेरा, एक छोटा सा पाउच है मेरे पास, हेलमेट है और ग्लव्स हैं। तो ये सारा मेरा रोज़ का सेटअप होता है। तो अब यहाँ से चलते हैं और नॉर्थ मैसेडोनिया की तरफ निकलते हैं। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी। हट जाओ हट जाओ। ओके बाय, थैंक यू सो मच। ओके सो अपनी कंट्री नंबर ऑफिशियली 4 लेकिन कंट्री नंबर 3 काउंट करूंगा अभी मैं इसको। तो आज नॉर्थ मैसेडोनिया। नाइस नाइस। तो आज भी मुझे सर के पीछे पीछे चलना पड़ेगा जब तक मैं अपने लिए एक नया फ़ोन नहीं लेता। मैंने आपको बता दिया मेरा फ़ोन टूट चुका है जिसपे मैं GPS देखता हूँ। तो सर के पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा अभी मुझे जब तक मैं किसी जगह पर जाके मेन सिटी में जाकर एक फ़ोन नहीं परचेज कर लेता। लगभग 250-300 किलोमीटर का रास्ता है आज। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग हम पहुंच जाएंगे लगभग 5.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। सुबह के अभी बजे हैं 10, हाँ सॉरी 9 बजे हैं अभी। हम पहुंच जाएंगे लगभग अगर आराम से भी चले मस्ती मस्ती में भी तो 4:30 मैक्सिमम 4-4:30 बजे तक हमें पहुँच जाना चाहिए। 5 and count this 1, this is 0, no, euro, 500.
अच्छा, एक और चीज़ आप लोग मुझे बताओ, जो अभी तक मैंने आपको दिखाया है 12-13 एपिसोड्स में, कैसा लगा आपको ग्रीस और अल्बेनिया जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है? क्योंकि ना मैंने इसमें आपको सब कुछ मिक्स दिखाने की कोशिश करी है, चाहे मैंने इसमें आपको माउंटेन दिखाया है, मैंने आपको ऑफ बीट लोकेशन दिखाई, मैंने इसमें आपको फेरी राइड दिखाई, मैंने इसमें आपको सिटी लाइफ दिखाई, विलेजेस दिखाए, यहाँ का छोटा मोटा कल्चर दिखाया, खाना पीना दिखाया जितना मैं दिखा सकता था, क्योंकि वो आपको पता ही है खाने पीने का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी कोशिश मेरी ऐसी रहेगी कि आगे भी मैं आपको ना ऐसा मिक्स दिखाता रहूं, खाली एक चीज़ पे फोकस ना करूं, यही आप लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था। तो इसमें मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और मेरे कम से कम पता नहीं 15-16-17 दिन कैसे निकल गए, मुझे तो पता भी नहीं लगा। मेरा ना एक्चुअली आज ना कोई प्लान नहीं है कि मैं अल्बेनिया को ज़्यादा शूट करूँ, क्योंकि आज मेरा प्लान है कि नॉर्थ मैसेडोनिया दिखाऊँ। लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी मार्केट आ जाती है ना, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे स्ट्रीट पे भी छोटी छोटी मार्केट इस जगह पर अल्बेनिया में लगती है, ग्रीस में नहीं लगती, अल्बेनिया में लगती है। अब नॉर्थ मैसेडोनिया देखेंगे, आगे कंट्रीज देखेंगे ना, तो उसमें मैं आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ पर जितने भी गाड़ी में बैठे हैं ना, सबके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स सारी एक एक चीज़ चेक हुई है। हमारे पास पासपोर्ट है, हर चीज़ हमारे पास। तो we have the insurance for the bike. It's, don't ask you for green card. No. Nowhere. No. Greece. So we are coming from Greece. You are coming from Greece. Yes. Document. खरीदनी पड़ेगी 50 यूरो की। What do? You pay green card? Oh, here or no? We will have to pay. Yes. It's not possible. So we pay. How much for one day only? No, insurance company. No, it's from 2 weeks minimum. So this 50 euros is for how much duration? For 2 weeks. Okay. Oh yeah, it's bahut mehanga hai. It's only for Macedonia the insurance. It's not for other countries. Oh. Too expensive. Your Macedonia, we are. And just when you enter to Serbia, I think you must pay from Serbia. We are not going to Serbia. And no, Macedonia, we are just passing. We are not staying in Macedonia. So, अभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं नॉर्थ मैसेडोनिया के एंट्री के लिए। हमें 50 यूरोस देने पड़ेंगे इंश्योरेंस, और सिर्फ इस कंट्री के लिए। और आज हमें खाली एक रात रुकना है। 5000 रुपये यार, बहुत ज़्यादा है एक रात के लिए। वैसे तो 2 वीक्स का है। हाँ, सेकेंड लाइन, अंकित लांबा। यस, व्हाट इज द इंश्योरेंस फीस इन नॉर्थ मैसेडोनिया करेंसी? 3075। तो ये आ गई अपने स्लिप, और हमारे जो चार्जेस लग गए, जैसे मतलब बताया 50 यूरो लग चुके हैं हमारे। 2 वीक की हमें वैलिडिटी मिली है, आज है 1 अक्टूबर और हमें 16 अक्टूबर तक की है। हमें इतना चाहिए ही नहीं था। आई विश 1-2 दिन की वैलिडिटी होती, 5-10-15 डॉलर होता, यूरो होते तो भी काम चल जाता। वेलकम टू नॉर्थ मैसेडोनिया, कंट्री नंबर 3 में एंट्री हो गई है। अब हमें यहाँ पर कोई नॉर्थ मैसेडोनिया का बोर्ड नहीं दिख रहा, ताकि हम अपने देश का तिरंगा फहरा के फोटो क्लिक कर सके। लेट्स सी आगे कहीं पर मिल जाए। तो बॉर्डर पे ना पहले दिन मुझे थोड़ा डर लगा था, ग्रीस में जब मैंने एंट्री ली थी टर्की से। डर इन द सेंस क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेशन ये वो, लेकिन अभी तो इतना कोई इशू नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स सारे। बस ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे पड़े हों, क्योंकि 10 बार ना बाहर अंदर करने पड़ते हैं ना, इनको ही दिखाने में 4 बार अंदर करे बाहर करे। और मैं तो फटाफट अंदर रख देता हूँ बैग में। कई बार क्या होता है, हाथ में इधर उधर रख दिए और फिर भागते रहो, ढूंढते रहो किधर गया। तो एक ये छोटा सा डर लगा रहता है। यहाँ कहीं लिखा है क्या नॉर्थ मैसेडोनिया? अभी हमारी कंट्री नंबर 3 में एंट्री हो चुकी है, जो है नॉर्थ मैसेडोनिया।
प्लान मेरा ये था कि बॉर्डर के पास ना बिल्कुल अपना झंडा फहराएंगे, फोटोज लेंगे, जैसे हमने ग्रीस में किया था और अल्बेनिया में किया था। लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमें फोटोज नहीं लेने दी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर अलाउड नहीं है, आप आगे जाके करो। हमने बोर्ड ढूंढा, कहीं हमें नॉर्थ मैसेडोनिया का बोर्ड दिख जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी बोर्ड नहीं था जहाँ पर हम नॉर्थ मैसेडोनिया का बोर्ड और फोटो खिंचा सके। अभी हमें बॉर्डर से और लगभग 40 किलोमीटर हो चुका है, हम अंदर की साइड आ चुके हैं। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कोई ज़्यादा शॉप दिख नहीं रही, फ्रूट्स की शॉप है यहाँ पर, बट यहाँ पर हमारे पास ना बैकअप में कुछ ना कुछ तो है। और अब मैं सीख गया हूँ ट्रैवल के अंदर ना, मुझे अगर मेरे को यूरोप में ट्रैवल करना है ना तो बैकअप कैरी करना पड़ेगा। तो ये खाती जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये मैं दो कैरी कर रहा हूँ, तो इससे मेरा काम हो जाएगा। और साथ में ना ये ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैंने ब्रेड और मक्खन पहले खा लिया था और एक ऐसे पैक कर लिया था। मुझे पता था कि दोपहर को या फिर जब बाइक चलाऊंगा तो बहुत ज़ोर से भूख लगेगी, तो एक ये भी मुझे सही तरीका मिल गया है भूख को मिटाने का। अगर मुझे कुछ नहीं मिलता यहाँ तो ऐसा बैकअप हमेशा होना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने डाला हुआ है ब्रेड, इसके अंदर डली हुई है इसके अंदर डला हुआ है जैम, इसके अंदर है बटर और इसके अंदर है चीज़। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और साथ में खाती खा लूँगा। तो ऐसा हमारा स्वागत हुआ है नॉर्थ मैसेडोनिया में। रोड पे ही व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि हाईवे ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पर मैं रुक के कुछ दिखा पाता आपको। तो मेरी ज़िंदगी तो लग रहा है ब्रेड पे ही घटेगी, सुबह भी ब्रेड, दोपहर भी ब्रेड, बट कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है। अभी मुझे लगता है इसकी हैबिट हो जाएगी और है टेस्टी, नो बट नो डाउट। I saw your flag. Yeah. We are covering 24 countries. How? 24. Yes. See the map on the bike. First time you saw someone from India? Yeah. Yeah. We'll show you the map. By the way, what's your name? Zeki. Yeah. So Zeki hame yahan par mile and unka shayad shop hai. So let me show you the map. Here it is. So we started from India. Yeah. Turkey. We flew in our bikes to Turkey. Then Greece, Albania, North Macedonia, then Montenegro, and this is our route plan. This is how we will be covering 24 countries. Is it good? Yeah. Nice trip. So you are a biker too? No. No. This is my brother. This is my Hi. friend. Hi. Hello. How is India? Okay. Sir, just explain karo India ke bare mein. Explain how is. So what do you want to know from the India? People, culture, lifestyle. Char roh se kaam chahiye the kaam. Okay. Explain such a huge country with vast features in 2-3-4 lines. India is mix of many countries. Yes. Yeah. India is a mix of many countries. In every 50 kilometers, you will see different culture, you will see different language, you will see different clothing, their lifestyle is different, their food is different. What is your traditional food? India is divided into four territories. So north, east, west and south. Yeah. So every territory has its own food. Yeah. So mainly it is wheat. In north, south it is rice, different forms of rice. East it is fish and seafood. Then west is mainly rice, then different products of rice and vada. Vada is like bread. Yeah, bread, yeah. Tell him that he is wearing Indian flag t-shirt. Orange, white and green. Orange, white and green. Come up and get it. Orange, white and green. Say hi to my audience. Hi, India. I live in Macedonia, but I am Albanian. Okay, you are Albanian. Yes. So, we as an Indian, we are inviting you to please come to India. No. And see New the Delhi. No, yeah, New Delhi. No, I asked. And what religion? They are Christians. They are Christian, Orthodox, and Muslim. Okay. But the Albanian mostly are
Muslims. Yes. But Macedonians are mostly Christians. तो अभी इन लड़कों से मिल गया ना, बहुत अच्छा लगा। पूछ रहे थे इंडिया के बारे में, कभी इंडिया के लोगों को देखा नहीं है इन्होंने, इंडिया क्या है इनको पता नहीं था। तो एक छोटा सा बताने की कोशिश जस्ट करी कि हर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, खाना चेंज हो जाएगा, कल्चर चेंज हो जाएगा, रिलीजन चेंज हो जाएगा, और फिर भी सब एक साथ रहते हैं। तो दिस इज इंडिया, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। सो नॉर्थ मैसेडोनिया का पेट्रोल 4 लीटर के अंदर जा चुका है, और यहाँ जो पर लीटर का रेट मैंने अभी कैलकुलेट किया है वो है 125 से 126 रुपये है, और इंडियन करेंसी 1 रुपी इज इक्वल टू 1.43 या 1.5 रफली लगा लो आप, 1.5 रुपये का है। अगर मैं 1 रुपये देता हूँ तो 1.5 रुपये नॉर्थ मैसेडोनिया, तो 125-126 रुपये का मुझे पर लीटर यहाँ पर पेट्रोल पड़ा है। और अब बाइक में फुल पेट्रोल करवा दिया है, तो अब मुझे खैर नॉर्थ मैसेडोनिया में दोबारा पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी कैलकुलेशन कर रहा था तो लगभग ना ऐसा लगा कि 50 यूरोस कट गए हैं अकाउंट में से, लेकिन अभी वो इंश्योरेंस कराया था ना तो उसके पैसे थे, तो बहुत ज़्यादा यार डर गया था मैं तो, 50 यूरो पेट्रोल के कहाँ से डल गए यार, 5000 रुपये का पेट्रोल आ गया। लेकिन जब सारी ट्रांजेक्शन्स चेक करी तो पता लगा नहीं, ट्रांजेक्शन ठीक है, लगभग $19 का पेट्रोल आया है इसके अंदर। चलो चार्ली, नॉर्थ मैसेडोनिया का पेट्रोल हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। Where are you from? इंडिया। 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं नॉर्थ मैसेडोनिया में, और जैसे जैसे हम अपनी नई नई कंट्रीज में जाते जा रहे हैं ना, हमारी खुशी और हमें प्राउड ना ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि यूजुअली तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम इंडियन फ्लैग निकालें, और लेकिन जब हम किसी बॉर्डर पर पहुँचते हैं या किसी कंट्री में पहुँचते हैं ना, तब ये इंडियन फ्लैग अपना निकालते हैं और फोटोज़ खींचते हैं ना, इसके साथ इतना प्राउड फील होता है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ मैसेडोनिया, और ये हमारी है 3rd कंट्री। अभी हमें 21 और कंट्रीज में जाना है जिसमें हमें अपनी कंट्री का फ्लैग ऐसे ही लहराना है। बॉर्डर पे हमें ऑप्शन नहीं मिले थे, बॉर्डर्स पे फोटोज़ क्लिक नहीं करने दे रहे थे, ना ही हमें नॉर्थ मैसेडोनिया का कहीं पर भी बोर्ड दिखा, लेकिन अभी हमें एक लकीली यहाँ पर एक बहुत बड़ा नॉर्थ मैसेडोनिया का फ्लैग दिखा, तो हमें लगा कि हमें यहीं पर ही अपनी बाइक्स खड़ी करनी चाहिए, अपना फ्लैग निकालना चाहिए और अपनी बाइक्स के साथ ये मेमोरीज ज़िंदगी भर के लिए ना इस कैमरे में कैप्चर कर लेनी चाहिए, खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं और अपना जो नेक्स्ट सफ़र है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये है एक रियल स्ट्रगल जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पता नहीं मैंने गोप्रो में रिकॉर्ड किया नहीं किया। एग्जाम ना हमें 2 घंटे हो गए हैं एक होटल ढूंढते, पहले हमने एक होटल देखा, बुक नहीं किया था, वो प्राइस भी ठीक था 30 यूरोस, पर वो कहती है कि आधा रूम दूंगी, समझ गए आधा रूम का क्या सीन है। फिर दूसरा अपार्टमेंट देखा, तो अपार्टमेंट वो लॉक था, वो पहले ऑनलाइन बुक करना पड़ता है वो, और बिना रूम देखे कितना स्पेस है, कितने फ्लोर पे है, लिफ्ट है नहीं है, तो ऐसे कैसे बुक कर दे 4th फ्लोर पे, कोई लिफ्ट ही ना हो तो उनको कॉल किया, नंबर नहीं मिल रहा उनका। तीसरे में आए, पार्किंग फैसिलिटी देख के आए, यहाँ पार्किंग के लिए, तो वो कह रहे पार्किंग नहीं है यहाँ पर, पार्किंग रोड पे खड़ी करो, होटल कहाँ, पार्किंग कहाँ, बाइक तो छोड़नी ही नहीं है, पैसे भले हमारे 10 यूरो फालतू लग रहे हो लग जाएँ,
बाइक नहीं छोड़नी भाई, पार्किंग तो सेफ पार्किंग चाहिए। अगर एक चीज़ मुझे, अगर हर बंदे ने गाइड करी ना, तो एक चीज़ गाइड करी है, चाहे जितने भी यहाँ पर भी आप लोग मैसेज कर रहे हो यूरोप से कि बिना पार्किंग वाला होटल मत लेना यहाँ, भाई साहब लिमिट पार चोरियाँ होती हैं, लिमिट पार बाइकों की चोरियाँ होती हैं, और बाइक को कुछ हुआ तो ये ट्रिप के मतलब ख़त्म। अभी 4 महीने का ट्रिप पड़ा, अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने, तो पूरा ट्रिप की ऐसी तैसी हो जाएगी। और यहाँ कोई सिक्योरिटी कोई नहीं, मतलब आपकी बाइक गई तो कहीं इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, फिर पार्किंग किस बात की। अब फिर यहाँ से एक होटल देखा है जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, अब 4 किलोमीटर जा रहे हैं, बुक नहीं कर रहे, ये एक चीज़ समझ आ गई, बुक नहीं करता भाई मैं पहले जब तक होटल ना देखूँ। यहाँ पर बहुत दिक्कत है, या तो फिर बहुत महंगे महंगे हैं, 100 यूरो 150 यूरो 12-12 15-15 हज़ार के होटल हैं, तो ये एक छोटा सा इशू है। थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा, पिछले 2 घंटे से ऐसे ढूंढ रहे हैं। तो यूरोप का थोड़ा सा ये सीन है, बाइक का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने बहुत सुना है कि यहाँ एग्जॉस्ट चोरी हो जाता है, हमारी तो बाइक में वैसे भी एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ, स्टॉक एग्जॉस्ट है, और चोरियाँ बहुत होती है यूरोप में। You have room? Room? Yes. For 2 people? 2 people. 1 motor? 2. 2. 2 people. 2 people. 2 motor. Room rent charges. How room much? Price? 22.5 euro. 20? 22.5. 22.5. Yes, 22.5. तो सबसे पहले अगर आपको टाइम बताओ ना, इस समय बज रहे हैं शाम के साथ या रात के साथ, जो मर्जी बोल लो। और हमने एक डिसेंट सा जो आपको रूम दिखाया था ना, वो रूम हमने ले लिया था, और हमें सोचा था कि यहाँ पर कोई मार्केट होगी, कुछ होगी, और छोटा मोटा एक्सप्लोर कर लेंगे और आपको भी मैं दिखा दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसी कोई मार्केट ही नहीं है, और आज संडे, और अभी हमने पता किया था, वो कह रहे कि संडे को ये मार्केट पूरी बंद होती है, तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए कि मैं क्या देखूँ। रूम में बैठा बैठा इतना परेशान हो गया था, तो भूख बहुत लग रही है। अब कोई शॉप भी नहीं खुली है ऐसी कि यार मैं कुछ खा लूँ। तो अभी यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी में हम स्टे कर रहे हैं, और उनसे मैंने पूछा कि यार क्या यहाँ पर कुछ ऐसा लोकल है, या फिर मैं कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर लूँ ताकि मैं कुछ तो खा पाऊँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पेट्रोल पम्प है, गैस स्टेशन है, वहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबली रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, जैसे अगर आपको ब्रेड लेनी है सैंडविच बनाने के लिए, या फिर बटर लेना है, मिल्क लेना है, वो सारी चीज़ें वैसे भी हमारे पास ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी मैं बस जा रहा हूँ होटल से, लगभग यहाँ से कह रहे हैं 100-150 मीटर है। तो सर तो रूम में अपना दाल वाल शायद हमारे पास पड़ी हुई है, या फिर खिचड़ी पड़ी हुई है, आई डोंट नो क्या पड़ा हुआ है। तो अभी सर वो चेक करेंगे, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से पेट्रोल पम्प देखने के लिए कि कुछ रॉ मटेरियल हमें ऐसा मिल जाए ताकि हम कुछ खाना वाना बना सकें। स्पेशली ब्रेड और बटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चीज़ें और साथ में मिल्क, ये 3 चीज़ें हमेशा हम कैरी करते ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं यहाँ पर यूरोप में क्या होता है। अभी आप देख रहे हो मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार कर रहा हूँ, और अगर मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के इस साइड पे आ गया ना, तो अगर गाड़ी वहाँ से 100 की स्पीड पे भी आ रही होगी ना, पहले वो रुक जाएगी, जब तक मैं पास नहीं करूँगा ना तब तक वो आगे नहीं जाएगी। अभी ऐसा ही हुआ, मैं एक जगह पर रुक गया, गाड़ी इतनी तेज सामने से आ रही थी, मुझे लगा जाने देता हूँ 2 मिनट की बात है, लेकिन वो स्पेशल रुकी है मेरे लिए, मैंने पास किया और उसके बाद वो गई है। तो यहाँ पर स्टोर मिल गया भाई, लकीली स्टोर है यहाँ पर, स्टोर में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर ब्रेड नहीं है। बट लकीली एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर मिल्क है, तो ये एक मिल्क हो जाएगा। और तो वहाँ काउंटर पे चाची बैठी है, उसको पूछा कि ब्रेड है, कहती है नहीं है लेकिन यहाँ पर पड़ी है, तो उसको समझ नहीं आया मैंने क्या पूछा, या तो समझ ही नहीं आया होगा उसको क्या मैंने पूछा है। तो अपना 2 चीज़ों का काम हो गया, सो अपनी शॉपिंग हो चुकी है, 2 ही चीज़ें मिली हैं यहाँ पर, एक दूध ले लिया है और एक ये ब्रेड ले लिया। साथ में यहाँ पर ना एटीएम मशीन भी है, तो जिनके पास नहीं है वो एटीएम से भी अपने पैसे निकलवा सकता है, और कोई थैली वैली नहीं मिलती, ये हाथ में ही लेके जाना पड़ता है। यहाँ कंपैरेटिव टू अभी तक जितना ट्रैवल किया है ना, ये सस्ता है,
टर्की से भी मुझे थोड़ा सस्ता दिखा और ग्रीस से भी ये एरिया थोड़ा सस्ता है। ये मेरा आ गया 135 दिनार में, लगभग 195 रुपीस के आसपास इंडियन करेंसी में मैंने इसके पे करे हैं। सही है, रीजनेबल प्राइस है। चिप्स के पैकेट देख रहा था, कोल्ड ड्रिंक्स देख रहा था, सबके प्राइस बहुत रीजनेबल है। देखो ये गाड़ी पीछे रुक गई ना, तो ऐसे ही गाड़ी ना रुकेगी और पहले पेडेस्ट्रियन को पास करने देगी और उसके बाद ही आगे जाएंगे। तो चलो सबसे पहले आपको एक बार रूम टूर भी दे देता हूँ। और सबसे पहले वॉशरूम से, एकदम छोटा सा वॉशरूम है और रूम भी हमारा एकदम छोटा सा क्यूट सा रूम है। सारा कमरा हमने ऐसे ही फैला दिया है, सारे कपड़े सारा सामान ऐसे बिखार दिया हमने। साथ में अगर खाने की बात करूँ, अपना खाना यहाँ पर उबल रहा है, बन रहा है ये वाला। साथ में आपको पता ही है कि मैं दूध लेके आ चुका हूँ, मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स भी पड़े हुए हैं। अगर ज़्यादा भूख लगी तो फिर मैं दूध और कॉर्नफ्लेक्स भी साथ में खा सकता हूँ। है ये खिचड़ी, पर इसमें थोड़ी सी दाल मिक्स कर दी गई है, तो यह बन गई है दाल चावल। सो अपना डिनर आ चुका है अपने हाथों में और आज का जो व्लॉग है ना, मुझे लगता है यहीं पर ही मुझे एंड कर देना चाहिए। बहुत कोशिश की मैंने कि अगर कुछ मार्केट खुली हो तो आप लोगों को भी दिखा दूं, बट कुछ मेरे हाथ में तो है नहीं सारी चीजें। और कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे नॉर्थ सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे हम बड़ी कंट्रीज की तरफ बढ़ेंगे, रियल यूरोप जो होगा वो तब दिखेगा। आज संडे था, सारी मार्केट बंद थी तो कुछ दिखा नहीं पाया, बट जो है सो है। अब इससे आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। एनीवेज आज का व्लॉग किसी भी रीजन से अगर आपको पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।